तो कैसा चल रहा है सब चीज? सर जी एकदम बढ़िया है। मैं तो मुंबई से भाग के आया, बच्चे घर पर आने लगे। अच्छा सर, नीट के कुछ ही दिन बचे हैं, अब हम क्या करें? अच्छा, भाग के दिल्ली आए हो? मैं बोला कि थोड़ा दिल्ली में रह देते हैं, एग्जाम के बाद चले जाएंगे। अब जैसे उन्होंने सुना कि दिल्ली में आप सर आए हैं, तो कुछ बच्चे दिल्ली भी रहते हैं, अब पूछ रहे हैं होटल का एड्रेस बताओ। अच्छा सर, सुबह से फोन को फ्लाइट मोड में रखा है। चलो बढ़िया है, बच्चे रहो। तो और मतलब कि इस बार तो नीट बहुत नजदीक है और बहुत ज्यादा कट ऑफ मुझे लग रहा है कि होने वाला है। हाँ सर, मेरे को भी लग रहा है कि बिकॉज कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। और आसान भी क्वेश्चन, आसान भी क्वेश्चन भी आसान आ गया है, सारा एनसीईआरटी आएगा। हाँ, और वही बच्चे कहने लगे कि अगर आप दिल्ली जाएंगे तो जरूर आप कुछ कुछ सर से हमें मिलवा लीजिए। अच्छा चलो, तो मैंने तो प्रॉमिस किया। मैंने एड्रेस शेयर नहीं करता, मैं बता देता हूँ कि मैं कहीं और रहता हूँ, दिल्ली नहीं रहता। हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेज नॉलेज फाइट। टुडेज एपिसोड इज बिटवीन एसके सिंह सर एंड अनमोल सर। सर ये आवाज कहीं सुना हुआ लग रहा है। हाँ, ये नॉलेज फाइट की आवाज है ये। हाँ, ये लोग प्रश्न पूछेंगे और हम आपस में लड़वाएंगे ये लोग। लेकिन सर लड़ना नहीं है। नहीं, लड़ना किस बात के लिए? हमें वो जो भी सवाल पूछेंगे ना, हमें एकदम अच्छे तरीके से उसका आंसर देना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी हम लोग सवाल का आंसर बहुत अच्छे तरीके से देते हैं। बहुत अच्छे। काम ही क्या है हमारा, डाउट टाइप में देखना और हमने आंसर करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हेलो अनमोल सर, हेलो एसके सिंह सर, वेलकम टू द नॉलेज फाइट। लेट मी एक्सप्लेन टू यू ऑल द रूल्स ऑफ नॉलेज फाइट। The knowledge fight will consist of 10 questions which you will ask each other. Each correct answer will give you a plus 20 point. Each incorrect answer will give you a minus 10 points and no points will be deducted if you pass the question. Let's start today's knowledge fight with a toss and whoever wins the toss will lead with a plus 10 points. Okay. तो अनमोल सर मैं टॉस करूंगा क्योंकि मैं जीतना चाहता हूं। हां, आपको ही जीतना है। मतलब मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा, मेरे को भी जीतना है। अच्छा अच्छा, चलो मैं जीतता हूं। तो टॉस करते हैं। हाँ सर, ठीक है, क्योंकि मैं जीतने वाला हूँ ही। बताओ सर। हेड्स टेल, ये क्या है? हेड्स है सर। अच्छा, मैं वैसे चीटिंग ज्यादा करता हूँ। तो देखते हैं सर जी कैसे कैसे सवाल। 10 पॉइंट्स आपको मिल गए। मैं पहले से प्लस 10 में चल रहा। अच्छा, पहले से 10 में चल रहा। ओके, सो द फर्स्ट कैटेगरी विल बी फिजिक्स क्लास 11। फिजिक्स क्लास 11th के क्वेश्चन। सर टॉस मैं जीता हूं, तो सबसे पहला आपको अच्छा, आपकी क्वेश्चन मैं करूं। ठीक है यार, मुझे फिजिक्स बहुत कमजोर है मेरी, तो एकदम हल्का क्वेश्चन पूछना कि एकदम टक से आंसर दे दें। सर बहुत हल्का सवाल मैं आपसे पूछता हूं। हल्का बिल्कुल। अगर मैं किसी इंसान को लेता हूं और अगर मैं उसको स्पेस में रख देता हूं, अच्छा, तो सर अब अर्थ पे तो हम सभी को पता है ग्रेविटी की कुछ वैल्यूज होती है, क्या स्पेस में वो इंसान रहेगा या उड़ जाएगा? स्पेस में इंसान जैसे उड़ेगा, तो उड़ने वाले तो तोता ही होते हैं, मतलब वो ज़्यादा उड़ते हैं। मतलब स्पेस में, स्पेस में जाएंगे तो इंसान उड़ेगा लग रहा है। उड़ेगा उड़ेगा उड़ेगा। सर, कारण कोई, तब जाके प्लस 20 प्लस 10 का आपने आंसर दे दिया। देखो उड़ेगा इसलिए क्योंकि हम देख नहीं पाएंगे कि उड़ रहा है कि क्या कर रहा है। तो अब जब देख ही नहीं पाएंगे तो उड़ ही सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर स्पेसिफिक कारण करें फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे मुझे ऐसे लगता है कि उसके ऊपर ग्रेविटेशन वगैरह नहीं लगेगा। सही है क्या? एकदम सही है। चलो, तो कम आ रहा, कितना नंबर मिल गया? सर आपको प्लस 20 मिल गया। चलो, अब मैं प्लस 10 पर अटक गया। अब आपकी बारी। अच्छा, मैं जीत रहा हूँ। चलो ग्रेट, अब आपकी बारी। फिजिक्स 11। अच्छा, फिजिक्स 11th में फर्स्ट चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन। उसमें मतलब MLT करके कुछ 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 निकालते थे, मैं हमेशा उसमें सही करता था, वो बड़ा मेरा स्ट्रॉन्ग है। बताओ करंट को कैसे, करंट का यूनिट क्या हो सकता है? सर आपने ऐसा सवाल पूछ दिया है जैसे बायोलॉजी में सेल यूनिट नहीं है बेटा ये। वही मैं सोचने लगा, क्योंकि ये हमने क्लास 11th में ही पढ़ा था सर। हाँ हाँ। और उसके बाद तो आज बहुत समय हो गया है। क्या लगता है सेल का यूनिट? सर मेरे को तो, मैंने कहीं पर ओम पढ़ा था, अब ये मैं गेस कर रहा हूँ क्योंकि ओम एम्पियर, और कभी कभी मुझे रेजिस्टेंस भी लगता है। रेजिस्टेंस सही लग रहा है मुझे। सर आप मुझे फंसा रहे हो। क्योंकि रेजिस्टेंस लगता है, जैसे कोई भी काम भी करते हो वैसे भी लोग रेजिस्टेंस। तो करंट तो लगती है ना सर, तो भाग जाती है। चलो बताओ फिर क्या ही हो सकता है, ओम रेजिस्टेंस और क्या बताया? मैंने एम्पियर बोला है। एम्पियर, एम्पियर लग रहा है फिर, रेजिस्टेंस नहीं है तो। सर आपकी इसी बातों ने बच्चों को भी परेशान किया, बच्चे भी रॉन्ग पोल पे टिक करते। सर अगर मैं आधा आंसर दूंगा तो कितना पॉइंट है? आधा का मिलेगा आधा पॉइंट, मतलब 5 पॉइंट मिल जाएगा। नहीं सर जी, तो कम ही हो जाएगा। मैं रिस्क लेना चाहूंगा इसमें। चलो, तो मैं एम्पियर पर टिक करना चाहूंगा। एम्पियर मतलब एम्पियर सही है गलत है, मतलब पूरा फुल कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब वही है 50-50 है एम्पियर, लेकिन सर आप मान के चलिए एम्पियर। चलो ठीक है, एम्पियर सही है, सही निकल गया क्या? सर क्योंकि फिजिक्स छोड़े बहुत दिन। हाँ, फिजिक्स टफ होता है, मतलब
हमारे लिए तो और टफ होता है। हमारे लिए तो मैं तो भूल ही गया हूँ, मुझे तो इतना भी नहीं आता, मैं तो देख के बहुत मुश्किल क्वेश्चन सेट किया था। चलो ग्रेट। So the scores after the first round are Anmol sir at plus 30 points and SK Singh sir at plus 30 points. So the next category will be chemistry class 12. केमिस्ट्री का भी जमी नहीं है ना, केमिस्ट्री बड़ा टफ भी लगता है क्योंकि इतने सारे फॉर्मूला उमला होते हैं ना इतना। चलिए पहले आप पूछ लीजिए, उसके बाद मैं पूछूंगा। चलो देखो, आप तो बायो पढ़ाते ही हो कि लाफिंग एक बहुत एक अच्छा माना जाता है कि जितना खुश रहोगे उतना ही अच्छा प्रोड्यूस कर पाओगे। जी सर। ठीक है, जिसकी खुशी जिंदा है वही जिंदा ही है। तो ये बताओ कि ऐसा कोई गैस हो सकता है जिसे हंस सकते हो? सर आपने ये जो नाम बोल रहे हो लाफिंग गैस, ये मैंने कुछ ही दिनों पहले सुना था। अच्छा, अब मैं इसमें भी कंफ्यूज हूँ। कोई गैस कैसे हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग कपिल शर्मा को देख के हंसते हैं। हाँ। गैस से कौन हंसेगा? पर आजकल तो कुछ बच्चे रील्स देख के भी हंस लेते हैं इंस्टाग्राम पे। तो सर अब केमिस्ट्री की भाषा में अगर क्या बात किया जाए, तो ऐसा मैंने एक जगह सुना था कुछ नाइट्रोजन वाला कंपाउंड है। नाइट्रोजन तो बहुत जहरीला गैस होता है, कैसे गलत बता रहे हो? सर आप फिर डरा दे रहे हो। नाइट्रोजन तो बायो पढ़ाते हो तो प्लांट रूट को दे देता है ना, बैक्टीरिया को खींचता है वो, कैसे तो बैक्टीरिया हंसेगा इसका मतलब? देख रहे हो गलत, ऑक्सीजन की तरफ भागो। सर तब इधर भी कंफ्यूजन हो जाएगा सर, डाइऑक्साइड होगा कि फिर? मैं भी एक गेस करूंगा। हार मान लो, हार मान लो। तो वेल सर मेरे को इसका आंसर नहीं पता है, क्योंकि मैं एक दो जगह में कंफ्यूज हूँ। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रस डाइऑक्साइड मैंने कहीं पर तो पढ़ा था। अच्छा, दो ऑप्शन में। हाँ दो, लेकिन 50-50 कर ले। इसमें मैं रिस्क नहीं लूंगा, पहले मैंने रिस्क ले लिया है। मेरा नसीब है कि मेरा दूसरा रिस्क फेल ही होता है सर। अच्छा अच्छा, हार मान लो। हाँ, तो मैं हार में आपको पास ऑन करना चाहूंगा सर, आपके हिसाब से क्या लगता है? तो सर जी देखिए, मैं तो कंफ्यूज हूँ, मैंने आपको बताया कि मेरा दूसरा अटेम्प्ट हरदम मतलब खराबी हो जाता है। मैं दो में कंफ्यूज हूँ, आपके हिसाब से इसमें क्या हो सकता है, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रस डाइऑक्साइड? मैं पास करता हूँ। पास करता हूँ ना। देखो एक गैस होता है जिसे हंस सकते हो, बट ये गैस ये गैस दुर्लभ है, मिलेगा नहीं। अगर मिल जाता तो लोग वही सूंघ के हंस लेते, कपिल शर्मा और रील क्यों देखते। बट एक नाइट्रस ऑक्साइड होता है। हाँ, उससे सूंघोगे तो हंसोगे, तो देखो कहाँ मिलेगा। नहीं सर शायद ये, मैंने ये भी पढ़ा है कि इसको इंडिया में बैन कर दिया गया है। क्यों? किसी कारणवश लोग ज्यादा हंसने लगे। हाँ, इसलिए ज्यादा हंसना भी गलत है। वो भी गलत ही है, लोग पागल। मतलब वैसे होता है, इससे आप ज्यादा हंसने लगोगे। शायद मेरे को रिस्क लेना चाहिए। हाँ, जीत जाते हो, बिल्कुल जीत जाते हो। चलिए कोई नहीं सर, कुछ पॉइंट्स आ गए। आप प्रश्न पूछिए आपके केमिस्ट्री से। सर एक बहुत ही दुर्लभ मॉलिक्यूल है, मतलब बहुत ही दुर्लभ कंपाउंड है। यार ये दुर्लभ कंपाउंड, ये तो सिंपल कंपाउंड मुझे आएंगे नहीं। सर डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड को अगर आप ले लेंगे तो क्या होगा? क्या डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड अगर मैं आपको देता हूँ अभी तो क्या होगा? मुझे लग रहा है खतरनाक गैस है, लग रहा है। डाइहाइड्रो मोनोऑक्साइड। हाँ, डाइहाइड्रो मोनोऑक्साइड ब्लड से रिएक्शन कर लेगा लग रहा है। सर क्या हो सकता है? डाइहाइड्रो अगर ले लेंगे तो इंसान मर सकता है लग रहा है। मतलब आंसर क्या है? कुछ ऑप्शन है क्या? सर इसमें मैं आपको तीन चार ही हिंट दूंगा। हाँ, जिसको हम लोग डेली उसको यूज भी करते हैं। क्या बात कर रहा है, इंसान मरता नहीं है? और मरता भी नहीं है। क्या बात कर रहा है? और सर कुछ तो ऐसे कठिन एग्जाम्स में तो उसको सामने एग्जाम्पल के तौर पर रख दिया जाता है। क्या बात कर रहा हूँ, तो फिर से बोलो जरा। सर डाइहाइड्रो मोनोऑक्साइड। डाइहाइड्रो, डाइहाइड्रो मतलब एच की पावर 2 और मोनोऑक्साइड। हाँ जी, मोनो मतलब ऑक्सीजन। अरे पानी लग रहा है यार, पानी है क्या? अरे यार ट्रिक पकड़ लिया, ये तो वाटर है, वाटर। अरे मैं, मुझे इतना खतरनाक नाम था, मुझे लग रहा है रिएक्ट ही कर जाएगा। चलो चलो, ऐसे बच्चों के साथ सर एग्जाम में होता है। अच्छा, ये कॉम्प्लिकेटेड नाम सुन लेंगे। हाँ, वो उसे तोड़ना चाहिए मुझे। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे मैं तो लॉजिक कैसे लगाया था। वैसे एग्जाम में अगर आप बहुत बड़ा आ जाए या बहुत बड़ा प्रश्न आए तो उसको छोटे छोटे टुकड़े में सोच के थोड़ा सा रिलैक्स होके सोचेंगे तो शायद उसका आंसर बता पाए। बच्चे पैनिक में आ जाते हैं। हाँ, अरे जैसे मैं मुझे लगा कि ये रिएक्ट ही कर जाएगा। देखते सर जी स्कोर क्या होते हैं हमारे। आकाशवाणी स्कोर, आकाशवाणी। सो द स्कोर्स आफ्टर द सेकंड राउंड आर अनमोल सर एट 30 पॉइंट्स एंड एसके सिंह सर एट 40 पॉइंट्स। Great. So the next category will be inventions. Inventions. Invention Anmol sir, आपसे invention देखो, कोई भी इंसान जब छोटा से बड़ा होगा तो पैसा कमाएगा, है ना? पैसा कमाएगा तो काउंट भी करेगा। फंसा नहीं रहा हूँ, आराम। बहुत इजी क्वेश्चन पूछूंगा। तो पैसे काउंट करेंगे तो पैसे में सबसे जबरदस्त अनमोल वर्ड है, अनमोल नाम से अनमोल वर्ड है। पैसे में जीरो आता है। हाँ। एक के बाद लगा दो
दस जीरो तो उसका माइनिंग कुछ और होता है, और एक के बाद एक जीरो लगा दो तो उसका माइनिंग कुछ और हो जाता है। ये जो जीरो शब्द है कहाँ से आया है? पाकिस्तान से तो नहीं आ गया है? नहीं, मेरे को तो अफगानिस्तान लग रहा है। अच्छा अच्छा, चलो, का ये जीरो का इन्वेंशन किसने किया है? सर, इस सवाल को थोड़ा सा बहुत लोग कॉन्ट्राडिक्ट, मतलब ये मान लेते हैं कि ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा इसका आंसर, बट इसको मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस देख के मुझे लग रहा है कि आंसर आता है आपको। मेरे को ऐसा लग रहा है सर, क्योंकि ना मैं क्या होता है ना, जब कुछ ज्यादा पढ़ लेते हो ना वो हानिकारक होता है, और अभी ये साथ मेरे साथ यही हो रहा है। मैंने उसी चीज को ना दो जगह पढ़ लिया, एक फॉरेन साइंटिस्ट भी थे और एक हमारे इंडियन भी थे। अच्छा, तो अब मैं कंफ्यूज में ये हूँ कि पहले इंडियन है कि पहले फॉरेनर। इंडियन बताओ। तो मतलब आर्यभट्ट सर, ग्रेट ग्रेट, जिन्होंने जीरो का इन्वेंशन किया था, बट लेकिन उस समय सर कुछ प्राइजेस नहीं होती थी, तो उसके लिए उनको कोई प्राइज से ये नहीं मिला, तो ये था क्या है? करेक्ट है सर जी, बिल्कुल आर्यभट्ट सही है। आप फॉरेन को छोड़ दो, हम क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया, आर्यभट्ट बिल्कुल सही, हमको भी यही पता था, फॉरेन तो पता ही नहीं। सर, ये फॉरेन वाला नाम है ना बायोलॉजी से आ गया है, अब देखेंगे तो सर बायोलॉजी में हर जगह ये नाम तो नहीं। आर्यभट्ट इजी भी रहता है याद करना और ठीक भी है, ठीक है, ग्रेट, तो मतलब जीत गए आप। तो चलिए सर, आपने भी जो पूछा है कि हम छोटे से जब बड़े हुए हैं तो पैसों की एक चीज है, तो सर हम छोटे बचपन से लेके जब भी हम बड़े हुए हैं तो भी हम आसमान में एक ही चीज देखते थे, आप कोई गेस करेंगे वो क्या था? लेकिन ये सवाल नहीं, सिर्फ आपको गेस करना है। आसमान में एक ही चीज जिसमें लोग बैठ के घूमते थे। अच्छा, मोस्ट प्रोबेबली एरोप्लेन। एरोप्लेन है ना, हमारा भी बचपन में सपना था कि हम एरोप्लेन में देखते थे कि हां एरोप्लेन, टाटा भी करते थे, टाटा करते थे, लेकिन वहां से कुछ रिस्पांस नहीं आता। तो सर इसकी इन्वेंशन जो थी वो किसने की थी? ये तो मुझे पता है, मैं तो अपने वीडियो में बोलता रहता हूं। इसकी इन्वेंशन जो है राइट ब्रदर्स ने की है। अच्छा, राइट ब्रदर्स से बड़ा सिंपल हो गया, मेरे को लगा कि आप नहीं नहीं, ये तो बहुत इजी था। चलो बराबर बराबर हो गए, देखते हैं आकाशवाणी का कितना मार्क्स, आकाशवाणी स्कोर क्या बताती है। सो द स्कोर्स आफ्टर द थर्ड राउंड आर अनमोल सर एट 50 पॉइंट्स एंड एसके सिंह सर एट 60 पॉइंट्स। ग्रेट। सो द नेक्स्ट कैटेगरी विल बी बायोलॉजी क्लास 11। अरे बायोलॉजी आप भी पढ़ाते हो बायोलॉजी, इसमें क्या ही तो सर, मतलब हम लोग ऐसा रख रहे हैं ना कि बच्चे ना खुश हो जाएं, मतलब बच्चे भी आंसर दे पाए, कमेंट में आंसर दे पाए कि क्या क्या आंसर हो सर। एक सवाल मतलब पेपर में बहुत सारे से पूछा गया है कि डिस्कवरी ऑफ अ सेल, ठीक है, बच्चे एकदम खुश हो जाते हैं एकदम कि अरे इसका आंसर मुझे पता है, लेकिन वो आगे एक पूछ लेता है कि वो पहला जो सेल था वो लिविंग था कि नॉन लिविंग था, तो बच्चे अब कहते हैं कि यार ये तो ठीक नहीं हो रहा है। तो सर आपकी इवोल्यूशन का क्वेश्चन चला जाता है, इवोल्यूशन आ गया क्या इसमें? तो सर वो सेल कौन सा था जो सबसे पहला, और साइंटिस्ट का नाम क्या था? देखो जो सेल पहला था वो नॉन लिविंग था, पहली बात की मतलब उसमें 10 मार्क्स आपको दे रहा है। क्योंकि अब लोगों की जान के हैरानी होती है कि यार पहले नॉन लिविंग था, बाद में हम लिविंग कैसे हो गए, चमत्कार है कैसे हो गया, वो बाद में इवोल्यूशन का वो था। तो पहला सेल हमारा लिविंग था, और क्या क्वेश्चन था दूसरा? पहला सेल नॉन लिविंग आपने बताया, नॉन लिविंग था। किस साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया था? किस साइंटिस्ट ने, किसने डिस्कवर किया, ये तो देखना पड़ेगा। सर एक आपको मैं हिंट देता हूँ, कोई रॉबर्ट करके थे, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक। अब आप कंफ्यूज हो गए सर। रॉबर्ट हुक पे ताला लगा दीजिए, क्योंकि ये तो सर मेरे को पता था कि आप इसका करेक्ट देंगे, क्योंकि डेली का चीज है। हाँ, रॉबर्ट। तो सर उसी में मैं आपको ऐड करता हूँ, रॉबर्ट ब्राउन सर ने किसकी डिस्कवरी की थी? ये तो पता है, आसान है, न्यूक्लियस। मतलब बच्चों तुम्हारा +4 है इसमें, एकदम गारंटी है। यस, न्यूक्लियस, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, सेल। और सर लिविंग सेल? तो लिविंग सेल किसने किया है? यही किया रॉबर्ट हुक। लिविंग सेल, लिविंग सेल एंटोन वॉन लीवेनहॉक। अच्छा हाँ, ओमनी सेलुला, ई सेलुला, वो तो रुडोल्फ, रॉड ऑफ वर्चाउ थे। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे मैंने कहा ना कि ओमनी सेलुला, ई सेलुला, तो उनको उनको वहाँ लेके चला जाता है। यस सर, अब आपकी बारी। तो अनमोल सर आपसे मैं डॉक्टरी वाला क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? अब आप मेरे सीनियर हैं सर, अब मेरे को आप घुमाएंगे। आप ये बताओ कि जैसे जब भी आपके पास पेशेंट आता है, ठीक है, तो जब भी कहता है कि डॉक्टर साहब हमको है ना सूसु में जलन हो रहा है, तो आप उसका यूरिन फंक्शन टेस्ट लिखते हो, है ना, कल्चर और सेंसिटिव टेस्ट कराते हो, तो ये बताओ कि जलन काहे हो रहा है? और जलन जो हो रहा है मतलब वो किस पे डिपेंड कर रहा है? अपनी बॉडी का कौन सा ऐसा सेल है, क्या मैकेनिज्म है कि उसको जलन हो रहा है ना? तो सर मतलब ये मैकेनिज्म भी है, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सा, मैं आपको सिंप्लीफाइड भाषा में बताने की कोशिश करूँगा कि सर पेशाब हमारा जो कंसंट्रेटेड जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से पेशाब में जलन हो जाता है हमको, तो ये कंसंट्रेशन जो है पेशाब का
वो लेंथ पर डिपेंड करता है लूप ऑफ फेनिली के, अच्छा, जिसके वजह से मतलब यूरिन की कंसंट्रेशन डिसाइड होती है। ठीक है, तो ये एक मेरा 50% आंसर है, मगर अभी पूर्ण रूप से आंसर नहीं है, ये तो कंसंट्रेशन वाला आंसर होता है, बस जलन जलन वाला आंसर सर, यही तो पार में लोग जल बहुत ज्यादा रहे जलन बताना, ये तो कंसंट्रेशन, ये तो बच्चे भी बता देंगे, बहुत सारे कमेंट लिखेंगे लूप ऑफ फेनिली, लूप ऑफ फेनिली, लूप ऑफ फेनिली, जलन क्यों हो रहा है सर, कहीं ज्यादा गर्म चीज तो नहीं खा लिया पेशेंट ने? अच्छा सर, मेरे को आपने हिंट दे दिया है यार, यही यही आंसर है, गर्मी का तो सीजन चल रहा है सर, बस उसने गर्म चीज पकोड़ा खाया होगा लग रहा है, और ऊपर से टेम्परेचर बाहर का ज्यादा है, बाहर का ज्यादा है इसलिए जलन सर, आंसर करेक्ट है कि नहीं? मैं तो हिंट दे रहा हूँ, अब आंसर बताने में जीतना है ना मुझे सर, गर्मी गर्मी ही गर्मी, एक तो टेम्परेचर हो गया कारण जलन का, पकौड़ा हो गया, मोमोज वगैरह सर मैं चाइनीज वाला, तो क्या बताओ क्या आंसर सर? मेरा जो आंसर होगा ना, अब इसमें कितना आकाशवाणी काटे कितना ऐड किया है, वो तो वही डिसाइड गर्मी 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 पे जाओगे, गर्मी और लूप ऑफ हेनले। देखो इसमें आंसर मुझे लगता है कि 50% तो ठीक है लूप ऑफ हेनले, वो कंसंट्रेशन बता दिया, बट जलन जो होता है यूरिन में वो पड़ोसी की वजह से हो सकता है ये पड़ोसी ने कार लिया है तो भाई हम लेंगे कार तो जलन हो सकता है, तो ये आंसर हो सकता है। दूसरा इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन तो मोस्ट कॉमन है, मतलब बैक्टीरियल यूटीआई हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वही बैक्टीरिया मोस्ट कॉमन है, नाइट्रोफोरेंटाइन टैबलेट देंगे और बस टकाटक करने लगे सर। एक अभी चलिए वीडियो में बच्चों को थोड़ा सा और मोटिवेशन मिल जाए सर, पेशाब में जलन होता है तो हम एक यूजुअली एक नॉर्मल सा सिरप लिख के देते हैं, बोलते पानी में इसका दो सिरप सिटाल, तो इसमें आपको 50% मतलब मार्क्स कटेंगे, 10 मैं एक्सेप्ट भी करता हूं सर, इसके लिए 5 नंबर मिलेंगे, क्योंकि अगर पड़ोसी बता देते ना तो मैं दे देता क्योंकि वो मोस्ट कॉमन है, वो बाद में बैक्टीरिया जाके इन्फेक्ट करेगा वो तो अलग चीज है, पहले पड़ोसी इन्फेक्ट करेगा, पड़ोसी इन्फेक्ट, पड़ोसी से जलन होता है सर, देखते हैं आकाशवाणी क्या स्कोर देती है। सो द स्कोर्स आफ्टर द फोर्थ राउंड आर अनमोल सर एट 60 पॉइंट्स एंड एसके सिंह सर एट 80 पॉइंट्स। चलो जीत रहा हूं। सो द नेक्स्ट टॉपिक विल बी जनरल नॉलेज। अरे यार जनरल नॉलेज बड़ा खतरनाक है मेरा तो सर, जीके का है थोड़ा सा फनी, जीके मेरा अगर स्ट्रांग होता तो मैं आईएएस बन जाता, देख लेना सर, जितना आपका स्ट्रांग होता है हमारा भी स्ट्रांग है। चलो ठीक है तो सर, एक मैं बड़ा ही रिसेंट चीज पूछूंगा जो कि मतलब मार्केट में बड़ा फेमस भी हुआ है। अच्छा, जैसे कि हमारे देश में मंत्री फेमस है, पॉलिटिशियंस आर वेरी फेमस, मंत्री पूछ लो यार बता देंगे सर, लेकिन मैं नहीं पूछूंगा वो चीज। अच्छा ठीक है, हमारा एक पड़ोसी मुल्क है, आप वो जो गेस करे वो गलत गेस किया आपने, क्या गेस किया आपके मन में, क्या आया? पड़ोसी देश पाकिस्तान, वो भी आपने गलत गेस किया, उसका भी पड़ोसी, पड़ोसी आता है पाकिस्तानी हमारे पड़ोसी है बस उसके भी पड़ोसी अफगानिस्तान है सर। अच्छा हाँ, इनके बारे में तो आप बड़ा सुन रहे हैं। हाँ सुन रहा हूं सर, रिसेंटली है ना कि अभी इसको जीके में हम लोग बोल सकते हैं, तो यूएन में जब इनको बुलाया गया, इनके मिनिस्टर्स को इन्वाइट किया गया, अच्छा, तो हर मिनिस्टर्स की मतलब हर कंट्री में मतलब कैसे कैसे काम करते हैं, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस रखे जाते हैं। अच्छा, कि हमारे जो पीएम है उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, ये तो यार तो वहाँ पर तो अभी तो कुछ बनाया नहीं है कोई, लेकिन एक सुपरफिशियल है जीके नहीं फनी सो क्वेश्चन बोलेंगे हम लोग कि वहाँ के जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनकी बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी, क्या है? टफ क्वेश्चन है यार, ये बेसिक नहीं है, और मुझे ये लगता है वहाँ के लोग पढ़े लिखे भी हैं क्या? मैं वही सोच रहा हूँ सर, तो बंदूक कैसे चला ले? अरे यार बंदूक चलाने में पढ़े लिखने की क्या बात है, बस तीर मारो निशान, मतलब मुझे लगता है कि वहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं, अगर पढ़े लिखे होते तो ये नहीं करते शायद, मुझे ऐसा लगता है। बट तुमने कहा कि वहाँ डॉक्यूमेंट जमा है तो कुछ ना कुछ जमा हो गया होगा, मैं बिल्कुल लोग क्योंकि सर उनका जब डॉक्यूमेंट रखा गया था, अच्छा, तो वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग थे, तो गेस कीजिए क्या हो सकता है वो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्राइमरी तक पढ़े होंगे शायद, मुझे ऐसा लगता है, बट इससे ज्यादा नहीं, मतलब मुझे लगता है कि उन्होंने फेक बनाया हुआ जाली सर्टिफिकेट कोई एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा सर। अच्छा तो अब पास कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को, लेकिन 50% आपने करेक्ट आंसर कर दिया सर। हाँ, सही है क्या? तो मतलब वो पढ़े लिखे नहीं थे क्या? पढ़े लिखे नहीं थे हाँ। लेकिन यूएन में उन्होंने क्या शो किया है?
यूनियन में उन्होंने कर दिया ग्रेजुएट हैं हम लोग है ना, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, करने में क्या जा रहा है। नहीं सर, उन्होंने कुछ तो शो किया होगा ना। अच्छा, उन्होंने टेंथ शो किया होगा। टेंथ इजी नहीं सर, नहीं हार गए, मतलब 50% मेरा 50% आपको मैं आकाशवाणी मार्क्स दे ही देंगे। अच्छा, तो अगर आप पास करेंगे, पास में कर देता हूं, मुझे नहीं तो सर बेसिकली ना उधर आके डैश लिखा हुआ है। डैश मतलब डेटा इनसफिशिएंट, मतलब दिया ही नहीं गया, सबमिट ही नहीं किया गया उस चीज को। अच्छा, तो पता ही नहीं है, तो आपको पता है डाटा क्या कितना तक पड़े हैं उनका जो डाटा है ना। मैं भाई बता रहा हूं ना कि वो जो यूएन में जब प्रपोज, क्योंकि ये न्यूज़ बड़ा फेमस हुआ था, कुछ न्यूज़ चैनल इंडिया के कवर की। अच्छा, इनकम्प्लीट मतलब उन्होंने कुछ सबमिट ही नहीं किया। सबमिट ही नहीं किया, तो इसका मतलब पढ़े लिखे नहीं थे। पढ़े लिखे नहीं, मतलब मैं ही जीत रहा हूं ना फिर तो। लेकिन सर आप उससे भी कंफ्यूज है ग्रेजुएशन। हां वो तो ऐसा लग रहा है। सर आपकी बारी। ठीक है, अब मैं जनरल नॉलेज से क्या क्वेश्चन पूछूं। अच्छा चलो इसी से क्वेश्चन पूछ लेता हूं। तालिबान है? तालिबान, तालिबान से ही। तो जैसे अभी मैं बहुत कम न्यूज़ देख पाता हूं, टाइम नहीं मिल पाता। तो मैंने जब आया था घर पे तो ऐसे न्यूज चल रहा है कि तोबे ओबे हैं, बहुत सारे बंदूकें हैं। मुझे लगा कि दो चार हमको भी देख के चले जाते तो मतलब यूएस के जो सोल्जर थे वो सब छोड़ के चले गए, निष्क्रिय करके चले गए, कुछ को तो एक्टिव ही मोड में चले गए। तो कहाँ गए होंगे वो? तालिबान में ही होंगे, अफगानिस्तान में होंगे, कि कुछ कहाँ गए हैं, ऐसे कुछ बता सकते हो? सर ये न्यूज मैंने सुना सुना लग रहा है कहीं पर, बट मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि अब जो तालिबान जो है लाइक अब उनका जो है वो कह रहे हैं कि हमारी खुद की गवर्नमेंट रहेगी। अच्छा, बट एक ऐसा भी न्यूज सुनने को मिला है कि वो जो वेपन है उनके पड़ोसी मुल्क में पास हो रही है। सुनने को मिला, कंफर्म तो नहीं हो ना? मतलब मैंने देख उतना इंफॉर्मेशन नहीं सर, इंफॉर्मेशन नहीं, मैं रॉ के बहुत करीब हूँ। तब तो सर आपको एकदम एक्यूरेट मुझे आंसर बताओ, सही बताओ। नहीं सर मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि ये जो वेपन्स हैं कहीं ना कहीं वो अपने श्रीलंका, श्रीलंका बड़ा दूर है, दूर घूम के भेजना तो अटक सर। चाइना मेरे को लग रहा हो सकता है, चाइना। हाँ उन्होंने कुछ, क्योंकि वो बड़ा आप तो देख ही रहे हैं उनका माइक, वो जब भी कंप्रेस कर वो जो चीज फैलाते हैं बड़े स्केल में फैलाते हैं। तो एग्जांपल आंसर क्या लग रहा है आपको, चाइना या सर? मैं दो कंट्री का नाम लूंगा। ठीक है, अब मैं वही कह रहा हूँ ना कि मैं 50-50 पे अटक रहा हूँ। ठीक है, एक चाइना लग रहा है, चाइना लग रहा है, और एक पाकिस्तान लग रहा है। दो मेरा आंसर है, दो आंसर है, बट कंफर्म नहीं है कि क्या हो सकता है। मेरा दोनों आंसर कंफर्म है कि दोनों अच्छा दिया, आधा आधा दे दियो, आधा चाइना आधा पाकिस्तान। हाँ ठीक है, मतलब 50-50 मुझे लगता है कि पाकिस्तान के पास हो सकता है, मतलब रॉ के अकॉर्डिंग, मतलब कुछ मतलब पाकिस्तान में है। अच्छा हाँ, इसमें तो हम लोग सर कॉमन सेंस लगा सकते हैं। ऑब्वियस है, चाइना को थोड़ा देगा इतना दूर पाकिस्तान। मेरा मार्क्स कटवा दिए, मतलब 50% आपको, 50-50 हो गया। चलो नहीं, हाँ सर क्योंकि ऑलरेडी उससे हैवी वेपन तो चाइना के पास, चाइना के पास तो है ये, चाइना खुद ही इतना संपन्न है, उसको क्या ही देगा, और वो देगा कि उसके उसके पास इतना ही है, तो कॉमन सेंस पाकिस्तान। पाकिस्तान वाले कुछ भी मांग लेते हैं, टमाटर मांग लेते हैं वही है, तो वो मांग लिए होंगे। अब देखते हैं सर आकाशवाणी कितना नंबर देता है। सो द स्कोर्स आफ्टर द फिफ्थ राउंड आर अनमोल सर एट 70 पॉइंट्स एंड एसके सिंह सर एट 90 पॉइंट्स। सो द नेक्स्ट कैटेगरी विल बी फिजिक्स क्लास 12। अरे यार फिजिक्स बड़ा परेशान कर सर, अब ये आप ही पूछेंगे, हमसे तो होगा नहीं। फिजिक्स क्लास 12। सो अनमोल सर ये बताओ कि जैसे आप पेशेंट रोशन को देखते हो और एक चिंटू आया बच्चा, ठीक है, चिंटू मेरा कैरेक्टर है जब पढ़ाते हैं तो हर बच्चे चिंटू है, तो उसको बुखार है। ठीक है, ठीक है, अब देखो कैसे हमारा मेडिकल साइंस फिजिक्स से जुड़ रहा है। अब बच्चे पूछते हैं कि सर डॉक्टर बनेंगे तो फिजिक्स का क्या यूज है, तो उनको शायद मैसेज भी जाएगा। तो जैसे चिंटू बुखार है तो आप बताओ कि फिजिक्स का कौन सा पैरामीटर उसको टेम्परेचर को मेजर करोगे, डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, और भी बहुत सारा है कि कम बुखार है, ज़्यादा है, मीडियम है, ए भी है, ए भी है, और बोल सकते हो शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया है। चार ऑप्शन है आपके पास सर, अभी तो आप मेरे को मतलब ये दो वाला ऑप्शन बहुत अच्छा है, शरीर ठंडा पड़ गया है। कोरोना के बीच में है ना, ना। वो गन तो आपने देखा रहेगा, वो बंदूक वाला नहीं। हाँ मुझे पहली बार मैं भी देखा, मैं डर गया कि मारू मैं देख। नहीं, जब हमको लगा तो जब हम जब सीख रहे थे तो हमने पढ़ा है कि सर 100 पे पानी उबल जाता है, लेकिन हमने पढ़ा डिग्री सेंटीग्रेड। अब कुछ लोग आके बोलने लगते हैं कि सर जी सर ये मेरा बच्चा जो है वो 101 डिग्री बुखार में तप रहा है। 101 डिग्री, अच्छा डिग्री में तप रहा है, तो मैं वही सोचूं कि 100 में तो पानी उबल जाता है, ये 101 डिग्री है या क्या है? तो सर अगर हम मेडिकल पैरामीटर्स की अगर फिजिक्स के इसमें अगर हम बात करेंगे तो दो स्केल्स या तीन स्केल हमने पढ़ा है हमारे समय, एक है डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट
और केल्विन साइकिल. केल्विन ना, केल्विन साइकिल नहीं, केल्विन, सॉरी केल्विन सर, बाय बाय. ठीक है, क्या केल्विन स्केल. ये तीन चीज हमने पढ़ा है, तीन है, बट हम लोग ज्यादा इस तीनों का इस्तेमाल नहीं करते. हाँ. हम चिंटू को बोलते हैं देखो तुम्हारे पास कम बुखार है तो बस पट्टी करके काम होता है. सर वो डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड पे जाओगे लॉक कर दीजिए, इधर वाले पे नहीं जाओगे. नहीं 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 सर, नहीं जाना. जीत गए, इधर वाले पे जाते तो हार जाते. डिग्री सेंटीग्रेड का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है. चलो आपको सारे पॉइंट मिल गए. तो सर अभी आपने चिंटू वाला ही सवाल पूछा है कि हमने चिंटू का चले बुखार को ठीक कर दिया. अब चिंटू पहुंच गया घर पे, तो घर पे पहुंचे तो बच्चा है तो मस्ती करेगा, और घर का पंखा खराब हुआ था, मम्मी ने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था, और अब इलेक्ट्रिशियन को उनकी वाइफ का फोन आ गया. थोड़ा सा आप देख रहे हैं एआर बेस्ड क्वेश्चन है, और समझे कि वो अपना ये जो मैकेनिक है वो बाहर चले गए, और चिंटू को नया मशीन दिख गया है. अच्छा. और चिंटू ने रख दिया उसके ऊपर हाथ, जोर से मारा झटका, और चिंटू गए 10 मीटर. ये तो चिंटू के साथ हुआ. सर ये बर्ड जो होती है इतनी हाई वोल्टेज की वायर्स पर होती है, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा क्यों? देखो अनमोल सर आपने बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिए, बच्चों को सर ये मेरा सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन था. अरे नहीं, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे तोता अगर बैठ जाए उस पे करंट पे खुले तार पे तो उसको करंट नहीं लगेगा, जबकि चिंटू ने जब छुआ है तो साइकिल कंप्लीट हो गया उसका, है ना, करंट फ्लो हो गया. तोते का करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि करंट बहना चाहिए ना. Exactly. रुक जाएगा तो इसलिए उसको नहीं लगता है. सर आप फिजिक्स एडुकेटर आज से फिजिक्स आप पढ़ाने शुरू कर दें. अब देखते सर आकाशवाणी कितना मार्क्स मिलता है. सो द स्कोर्स आफ्टर द 6th राउंड आर अनमोल सर एट 90 पॉइंट्स एंड एस के सिंह सर एट 110 पॉइंट्स. सर पहले हमारे से मिलियन में भी आ गई हो. सो द नेक्स्ट टॉपिक विल बी केमिस्ट्री क्लास 12. अरे फिर से केमिस्ट्री आ गया सर. केमिस्ट्री सर ये अभी खत्म नहीं हुआ फिर चालू हो गया. चलिए एक सबसे आसान सवाल मैं पूछता हूँ सर. आसान पूछना नहीं आता मुझे, क्योंकि सर हमारा भी हिला हुआ है. तो सर केमिस्ट्री में और उसको हमने बायोलॉजी में भी यूज करते हैं सर. अच्छा. अब गेस करेंगे, अब गेस कर ही सकते हैं. थर्मोडायनामिक्स. अच्छा थर्मोडायनामिक्स. थर्मोडायनामिक्स जो है, थर्मोडायनामिक्स का कौन सा लॉ बायोलॉजी में हम यूज करते हैं? थोड़ा सोचने का समय मिलेगा क्योंकि अरे सर बहुत ज्यादा है. मगर वैसे तो आसान लग रहा है, बट कौन सा लॉ बायोलॉजी में यूज होता है? थर्मोडायनामिक्स का केमिस्ट्री 12th में है. हां बायोलॉजी में, बायो में तो नहीं है यार. बायो में तो थर्मोडायनामिक्स नहीं है. सर थोड़ा गेस कीजिए. अगर आपने वो चैप्टर का नाम बता दो बस. सर चैप्टर का नाम है तो आप यूनिट बता, यूनिट बताओ तो फिर मैं सोचूंगा कि सर इकोलॉजी. इकोलॉजी, इकोलॉजी में थर्मोडायनेमिक्स का इस्तेमाल. इकोलॉजी चैप्टर बता सकते सर. आपको एक और हिंट दे देता हूँ. हाँ चैप्टर हमने ये पढ़ा हुआ है या हम पढ़ाते भी है कि जब कोई प्राणी जब किसी जैसे कि एक कुत्ता है वो किसी छोटे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है. अच्छा. उसको उससे एनर्जी मिल रही है. अच्छा अच्छा समझ गया. एनर्जी, सेकंड लॉ ऑफ एनर्जी. हिंट बहुत तगड़ा दे दिया था. अगर आप चैप्टर बता देना उसमें भी उलझा रहता हूं मैं. सर आपने करेक्ट. सेकंड लॉ ऑफ एनर्जी जो होता है, एनर्जी नाइदर दे क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दे कैन ट्रांसफर वन फ्रॉम टू अनदर. सर मैंने आसान पूछा था. मेरा आसान आसान पूछा. नहीं मैं भी हिंट दे दूंगा. ऐसा कर सकता हूं, मैं भी हिंट दे सकता हूं. तो अनमल सर जैसे आपने कनेक्ट किया बायोलॉजी को केमिस्ट्री से, ऐसे मैं भी कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ. सर ज़्यादा कनेक्ट हो जाएगा सर. बहुत आसान है, बहुत आराम से कर दोगे क्योंकि बायो पढ़ा रहे हो आप, बहुत आसान से आंसर दे दोगे. बट मैं उलझाने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं ही जीतूँ. तो जैसे बायो मॉलिक्यूल्स आपने पढ़ा है सर, यही चैप्टर तो नहीं आता. चलो फिर तो जीतूंगा लग रहा है. तो केमिस्ट्री का ऐसा कौन सा एमिनो एसिड है या मॉलिक्यूल्स है जो बायो मॉलिक्यूल्स में इस्तेमाल किया जाता है? सर मतलब इसका 50% बहुत आसान क्वेश्चन, कुछ भी बताओगे आंसर लग जाएगा. नहीं सर ये तो मतलब उनके पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं. हाँ कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो बायो मॉलिक्यूल्स में, जैसे कि अमीनो एसिड्स. अमीनो एसिड में तीन ग्रुप होता है, CHO, NH2 और R ग्रुप. और R ग्रुप को अगर हम H से रिप्लेस करेंगे तो नाम बदल जाएगा. लेकिन आप सवाल पूछ रहे कि प्रॉपर्टीज. हाँ प्रॉपर्टीज. कुछ इफेक्ट इफेक्ट मैंने पढ़ा था कभी, तो शायद SN1 मैकेनिज्म. नहीं नहीं SN1 तो अलग. टिंडल इफेक्ट. नहीं सर आप गुमराह कर रहे हो. चलो सर ज्यूटर आयन वाला कॉन्सेप्ट. ज्यूटर आयन करेक्ट है सर, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव. बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है. ज्यूटर आयन बिल्कुल बराबर आ गया सर. मेरे को ना मैंने तुक्का मारा कर. नहीं नहीं एकदम बिल्कुल करेक्ट. मैं बच्चों को मॉक में पूछता था अक्सर, लेकिन आपने मेरे को सवाल घुमा के पूछा ना,
हमने पहले ऐसे घुमा के नीट में भी कोई कोई क्वेश्चन आ जाता है और बहुत आसान रहता है। देखो कि ड्यूटेरियन कितना आसान है और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कितना आसान है, बट वही है कि आपको अगर बहुत आराम से ठंडे दिमाग से पेपर दोगे ना तो बहुत क्वेश्चन इजी रहता है, मतलब इतना कॉम्प्लिकेट रहता है। बच्चे टॉपिक को हार्ड करते हैं, वो खुद ही कर देते हैं, वो इतना मतलब हेक्टिक रहता है, प्रेशर रहता है, तो खुद ही उनको लगता है। देखते सर जी आकाशवाणी कितना नंबर देते हैं। सो द स्कोर्स आफ्टर द 7th राउंड आर अनमोल सर एट 110 पॉइंट्स एंड एसके सिंह सर एट 130 पॉइंट्स। सर आगे चल रहे हो आप, पीछे आना शुरू कर रहा हूं। सो द नेक्स्ट टॉपिक विल बी करंट अफेयर्स। अरे यार करंट सर, करंट अफेयर्स में आप चालू करते हैं। नहीं आप पूछो करंट सर, मैं बड़ा आसान सा एक पूछूंगा। आसान पूछोगे तो तभी तो मुझे आता ही नहीं है, उसी क्वेश्चन को अलग फॉर्म में पूछ लेंगे। सर अभी हाल ही में कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगी जा रहा है, लगे जा रहा है हाँ। लेकिन हमारे देश के कुछ ऐसे मंत्री है वो कह रहे हैं कि हम तक मिल ही नहीं रहा, लेकिन सबसे पहले उन्होंने लिया है उसको। अच्छा ये तो सभी को पता है, लेकिन वो जनता के हित में बात कर रहे हैं, तो सरकार को भी प्रेशर आ गया और सरकार ने इमरजेंसी वैक्सीन को रिलीज किया। और वो इमरजेंसी वैक्सीन का नाम क्या है? अरे यार बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया। अरे वैसे मैंने कोविड सेल लगाया है, आपने क्या लगाया? सर अभी तो चल ही रहा कोविशील्ड का, कोविशील्ड चल रहा है ठीक है। तो इसमें स्वीथनिंग जो है, जो उसमें इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है कि आप कोई भी लगे तो लगा दो उसको स्वीथनिंग। हाँ तो ये आपने करेक्ट आंसर दे दिया, ये मैं बहुत क्लोज रहता हूँ तो मुझे आंसर पता है, चलो मैं जीत गया। चलिए आप सर आओ। तो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ करंट अफेयर्स से। तो अनमोल सर ये बताओ करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि हमारे देश का हमारे देश का सबसे फाइनेंशियल कैपिटल कौन सा है? सर कैपिटल पूछ लिए होते इसका आंसर मैं 2 सेकंड में बता देता। नहीं फाइनेंशियल कैपिटल बताना है, लखनऊ बता सकते हो, कुछ उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है या सर क्षेत्रफल ज्यादा तो मतलब फाइनेंशियल हाँ हो सकता है। ज्यादा पैसा लोग कमाते हैं उत्तर प्रदेश सर, लेकिन मुझे पता है आप डाइवर्ट बड़ा करते हो। चलो आंसर बताओ सर, जगह का नाम बताना, स्टेट का नाम बता देना। कैपिटल पूछा है देख लो, जगह का भी नाम बताओ चलेगा। सर मुंबई। मुंबई, मुंबई से बिलोंग करता हूँ तो मुंबई में मैं अक्सर ही देखता हूँ, पैसा देखते सिर्फ पैसों की बात होती है वहाँ पर। अच्छा पानीपुरी वाला जितना कमाता है उतना ही मतलब एक अच्छा खासा आईटी बंदा भी कमा लेता है। अच्छा अच्छा तो मुंबई सर करेक्ट होगा इसका आंसर। मुंबई को लॉक किया दिया। हाँ मुंबई हाँ, क्योंकि मैं तो महाराष्ट्र भी बोलने वाला था सर, लेकिन मैंने थोड़ा पॉज लेके महाराष्ट्र के अंदर मुंबई आता है ना तो सर हाँ मुंबई को लॉक करते हैं। सही आंसर है बिल्कुल करेक्ट। पता है मैं सर 2 सेकंड पहले मैंने महाराष्ट्र बोलने वाला था तो महाराष्ट्र में तो बहुत सारे आ जाते, पुणे आ जाता, नासिक आ जाता, गलत हो जाते हैं आप। नहीं सर देखते तो आकाशवाणी आधा नंबर मिल जाता, बट ये इसमें फुल देखते हैं आकाशवाणी क्या आकाशवाणी। सो द स्कोर्स आफ्टर द 9th राउंड आर अनमोल सर एट 130 पॉइंट्स एंड एसके सिंह सर एट 150 पॉइंट्स। सर आगे चल रहे हैं आप, अब हार जाऊंगा। सो द नेक्स्ट टॉपिक विल बी बायोलॉजी क्लास 12। सर ये सवाल मैं चालू करता हूँ इससे। हाँ हाँ बायोलॉजी आप पूछिए। क्लास 12th में हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन बच्चों को बड़ा पढ़ाया है। बिल्कुल मेरे बच्चे एक्सपर्ट हैं उसमें। तो सर अक्सर हमारे कंट्री में ना जब भी लड़कियां पैदा होती है अच्छा तो हम औरतों को ब्लेम कर देते हैं कि यार तेरे घर का प्रॉब्लम है या तेरे जेनेटिक्स का प्रॉब्लम है, बड़ा सबसे मतलब बुरा काम। तो जो जेंडर होता है बच्चे का, बच्चे तो पहले कमेंट में बता देंगे इसका आंसर। अब आप भी इसका आंसर बता दोगे क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सिंपल रखते तो आप भी मेरे को सिंपल पूछेंगे। ठीक है अच्छा सिंपल सिंपल मैं तगड़ा पूछूंगा। ठीक है तो सर आप इसे क्वेश्चन चेंज कर सकते हो, मैं नहीं सर। अच्छा ठीक है क्योंकि ये थोड़ा सा पॉजिटिव मैसेज भी चले आया। ठीक है सर, जो जेंडर होता है वो किस पर डिपेंड करता है? अच्छा देखो जेंडर बिल्कुल सही, एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज ये भी है क्योंकि जितने भी सासू माँ होती हैं तो इनके इनके आँख में डायग्नोस्टिक सेंटर है। Exactly. ये तुरंत बता देगी कि देखो इस लड़की में प्रॉब्लम है, मेरे लड़के में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मतलब बेसिक जो होता है सासू माँ कंप्लेन करती है कि देखो जो लड़की हुई है वो लड़की के वजह से ही है क्योंकि मेरा लड़का तो तंदुरुस्त है, वो लड़का ही प्रोड्यूस करेगा। बट अगर क्रोमोसोम्स की बात करें तो एक्स वाई मेल में होता है, तो मेल चाइल्ड या फीमेल चाइल्ड टोटली डिपेंड करता है हमारे मेल पे, फीमेल पे नहीं होता है। ठीक है वो सासू माँ को समझना चाहिए। आई होप कि सासू माँ, सासू माँ ने सर आपको प्लस 20 पॉइंट दिला दिया। चलो तो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ बायो में, रिसेंट इसी से रिप्रोडक्शन से ही ले लेते हैं ना। तो मिमी आपने एक मूवी का नाम सुना होगा, पंकज त्रिपाठी है ना, आप फैन हो? बहुत ज्यादा सर। अच्छा
तो उनके मूवी में वो बच्चे प्रोड्यूस करते हैं, तो कौन से टेक्निक सर ये जो आप मूवी का नाम बता रहे हैं ना, मैं ये सोचता था कि आज रात को मैं इस मूवी को देखूंगा ये मेरे मन में अभी ख्याल आया था, मैंने देखा नहीं अभी तक, बट मैंने ट्रेलर देखा था सर इसका। ट्रेलर के बेसिस पे आंसर बता सकते हो, जिसमें लाइक वो कीर्ति सेनन को कहती है कि आपको मतलब बेबी को अपने अंदर रखना है। सर एज पर द बायोलॉजी से अगर हम जाएंगे तो ये टेस्ट ट्यूब बेबी, नहीं टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं, IVF mechanism. Great. IVF मतलब आजकल का चलन है, मतलब IVF आजकल बहुत ज्यादा सर, लेकिन ऐसा आपको नहीं लगता है कि ये चीज बड़े लोगों में देखने को मिलता है? नहीं ऐसा नहीं है, मतलब बड़े छोटों में तो वैसे तो होता है बड़े लोगों में ही, बट पहले के टाइम में जो अर्बन है मुंबई दिल्ली बड़े शहर के लोग, अब गाँव में भी ऐसा देखा जा रहा है, काम लोग नहीं करना चाहते हैं, फास्ट फूड कर खाना चाहते हैं, यही सब है। और आजकल बहुत ज्यादा करियर है exactly. आपके साउथ में तो मतलब बहुत सारे गायनी मेल होते हैं, हमारे नॉर्थ में नहीं होते नहीं सर, आप अगर गायनी बनोगे तो कोई पूछेगा ही नहीं, दूर से ही भाग जाएंगे आप सर, ये हॉस्पिटल में हुआ है हाँ। अच्छा गायनक डिपार्टमेंट में जेंट्स है, अगर ईडीडी पूछ निकालना होता है तो पूछेंगे कि लास्ट आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल कब एंड हुआ है, वो नहीं और शर्मा जाती है, हम ना बताएंगे, हम कौन है, हम अपने मर्द को बुला देते बिल्कुल चलो तो इसमें दोनों बराबर बराबर हो, देखते हैं आकाशवाणी का, आकाशवाणी का देखते हैं कि कितना हो गया। सो द स्कोर्स आफ्टर द 9th राउंड आर अनमोल सर एट 150 पॉइंट्स एंड एसके सिंह सर इज लीडिंग विद 170 पॉइंट्स। ग्रेट सर, क्या बात, तो आंसर तो आपने भी बताया था सही। हां सो द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज नॉलेज फाइट विल बी अवार्ड्स। सर अवार्ड्स से अपना हिला हुआ है बहुत ज्यादा, एडुकेटर मंथ अवार्ड के बारे में भूभूषण ने मेरा कम मिला था बता दो मैं चलो पहले आप पूछो अवार्ड। तो सर रिसेंटली एक मैंने मूवी देखा था शेरशाह करके, ठीक है, लाइक बड़ा मोटिवेशनल मूवी था, करगिल वॉर पर ये मूवी बेस्ड है, हां हां गाने बहुत अच्छे हैं हां। तो क्या हुआ कि लास्ट में जो थे शेरशाह जो थे ओके वो मारे गए, तो अंत में उनके पिताजी को एक अवार्ड दिया गया था, वो अवार्ड का नाम आप गेस कर सकते हैं? अरे वो तो मैंने अभी भी अभी अभी आपके आने के पहले वो मूवी देखी थी, संडे था सर, मुझे कितना खराब तो मुझे लगा कि यार मैं पहले मूवी देख लेता हूँ, संडे को छुट्टी मिलती है, तो परमवीर चक्र से अवार्ड उनको मिला था। परमवीर करेक्ट है बिल्कुल, मेरे को लगा कि आप बोलेंगे भारत रत्न चलो भारत रत्न से पूछ लेते हैं, आपने भारत रत्न बोला ना अभी, भारत रत्न बोला है हाँ सर जी, तो बताइए अनमोल सर कि पहली बार भारत रत्न अवार्ड किसको मिला था? तो सर अभी भारत रत्न से आपने अब मतलब मेरे को मेरे ही क्वेश्चन में आप जा रहे हैं, मुझे तो अब क्योंकि मुझे आता नहीं था, आपने भारत रत्न पूछा तो मुझे लगा कि यही पूछ लेना चाहिए था सर, क्योंकि हम लोग अभी अवार्ड्स एकदम हिला हुआ है, हमने को आज तक अवार्ड्स मिला है कि बेस्ट हैंड राइटिंग अवार्ड, फिर बाद में स्कूल वाला ही, अब आप ये पूछ रहे हैं तो सर क्योंकि मैंने पढ़ा था, कॉमन भी है, कॉमन भी है, उनकी बिहार परम टीचर से भी सेलिब्रेट करते हैं एक तो बता दिया आपने। सर्वपल्ली राधाकृष्णन बिल्कुल करेक्ट, और सीवी रमन सर, सीवी रमन बिल्कुल रमन इफेक्ट, रमन इफेक्ट जिन्होंने दिया था बिल्कुल सही, तो जिनके बिहाफ पर हम ये क्या कहते हैं भारत रत्न सबसे पहले इनको मिला हाँ, था हाँ। तो ये दो थर्ड का मुझे नाम थोड़ा सा ये लग रहा है, नहीं दो पे भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे क्योंकि सर क्योंकि जीत तो आप ही गए वैसे ये भी बात सही है, तो मतलब नहीं वैसे आपने बहुत अच्छा बताया, अगर यही क्वेश्चन मेरे से पूछते ना तो मुझे नहीं आता तो मैं जीत जाता तो बिल्कुल सही है, देखते हैं आकाशवाणी क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। सो द स्कोर्स आफ्टर द फाइनल राउंड आर अनमोल सर एट 170 पॉइंट्स एंड एसके सिंह सर विंस द नॉलेज फाइट विद 190 पॉइंट्स। थैंक यू सर जी, कांग्रेचुलेशंस एसके सर, थैंक यू और एक्चुअली वैसे तो आप जीतते क्योंकि आपने क्वेश्चन बहुत आसान पूछ दिया था। नहीं सर जी पता क्या है कि मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला, हाँ मुझे भी दो साइंटिस्ट के नाम आ जान गया सर, लेकिन बोलने का मतलब ये कि इस नॉलेज फाइट से बच्चे को एक मैसेज जा रहा है कि पैनिक में आगे हमने आंसर पैनिक नहीं देगा, जैसे जैसे आपने वो हाइड्रोजन वाला क्वेश्चन पूछा कितना आसान है, बट मैंने थोड़ा सा स्प्लिट किया तो आंसर मिल गया। सर एक बात बताऊं तो वो सवाल है ना नीट में भी आया हुआ है, अच्छा बहुत पुराने पेपर में देखो, तो मतलब वही है कि एक मैसेज जा रहा है कि भाई जो क्वेश्चन है उसे एकदम आराम से, अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आराम से पढ़ना चाहिए, सोचना चाहिए कि उसका आंसर आपको पता चलेगा, क्योंकि जितना पढ़ते हो तो पता ही चलेगा। हाँ जी सर। सो वेल गाइस, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया इस नॉलेज फाइट के इस ऑसम से सेशन में, बहुत कुछ सीखने को मिला, और डॉक्टर एस के सिंह सर ने मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ दिए जिसमें मैं खुद हिल गया।
और अब आपका भी एग्जाम बड़ा नज़दीक आ चुका है, तो गाइज ऑल दी बेस्ट। पेपर को आराम से अटेम्प्ट कीजिएगा, पैनिक मत होइएगा, क्वेश्चंस को स्प्लिट कीजिएगा, तब जाके आपको आपके क्वेश्चंस का एकदम प्रॉपर आंसर मिलेगा, नहीं तो एग्जाम हॉल में आपका प्लस फोर आएगा और निकलने के बाद आंसर के में माइनस वन हो जाएगा। तो पैनिक में ऐसा चीज़ हो सकता है, तो हमने पैनिक बिल्कुल नहीं करना, आराम से एग्जाम दीजिए, ऑल द बेस्ट। सो बहुत मज़ा आया आज के नॉलेज फाइट में अनमोल सर के साथ, और मुझे भी बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते थे, मैंने सीखा और कुछ डिफरेंट था बुक के नॉलेज से, जैसे तोता होता है अलग चीज़। तो एक ग्रेट मैसेज ये है कि हमें इस नॉलेज फाइट से कुछ एक ऐसा चीज़ सीखने को मिला, क्योंकि पहले मुझे नहीं पता था कि कोई भी क्वेश्चन है उसे आराम से पढ़ने की आदत डालें। मतलब हम क्या करते हैं कि हमें इतना जल्दी होता है कि जल्दी 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 करना होता है, तो आराम से अगर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और दो बार ठंडे दिमाग से पढ़ेंगे तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा, ये श्योर है, क्योंकि आपने मेहनत किया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने ऊपर बिलीव करना इम्पॉर्टेंट है, अगर आप अपने ऊपर बिलीव करते हैं तो आप क्रैक करेंगे। नहीं, ऐसे नॉलेज फाइट आपके फेवरेट एजुकेटर के साथ आते रहेंगे और बहुत फ़नी सेशन रहते हैं, और फ़नी के साथ साथ आपको कुछ लाइव लेशन मिलते हैं समझने को कि आप अपने प्रैक्टिकली लाइफ में कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप अपने फेवरेट एजुकेटर को देख पाएँ और कुछ सीख पाएँ, बेहतरीन चीज़ों को सीखने का मौका मिल सके। लेट्स क्रैक इट।